press the bell icon on YouTube app and never miss another update. फाइनली दोस्तों हमने 200D कैनन का कैमरा परचेज कर लिया है। अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं वो मोबाइल से है, इसलिए आपको क्वालिटी नहीं मिल पा रही है, लेकिन दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारे कैनन के कैमरे से होगा, वो क्वालिटी आपको बेहतर नज़र आएंगे। तो चलिए दोस्तों इसके अनबॉक्सिंग करते हैं। अगर आप परचेज करते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा इसमें, ये सब बताने चल रहे हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर बैग, ये आपको मिल सकता है अगर आप कैनन 200D लेते हैं या कैनन का कोई भी कैमरा लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जो बॉक्स में है इसके अंदर कैमरा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैनन 200D का ये मॉडल है। आप सिंगल किट के साथ ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ डुअल लेंस के साथ लिया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 16GB कार्ड आपको मिल जाएगा अगर आप इसे रिकॉर्डिंग करते हैं वीडियो या फोटो शूट करते हैं। अगर आप 16GB रिकॉर्डिंग करते हैं तो मतलब कि 2 घंटे आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और फोटो तो बहुत ज़्यादा कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बॉक्स में फीचर लिखा हुआ है, जूमिंग लिखा हुआ है, कितना आपको जूमिंग मिल जाएगा। अगर आप सिंगल किट के साथ लेते हैं तो आपको 18 से 55 तक जूमिंग मिल जाएगा। अगर आप डुअल लेंस के साथ लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 55 से 250 तक मिल जाएंगे। अगर आप कोई यूट्यूब वीडियो शूट करना चाहते हैं, घर पर शूट करना चाहते हैं या बाहर, तो आप सिंगल किट के साथ लीजिए। अगर आप प्रैंक शूट करना चाहते हैं उसके लिए आपको जूमिंग लेंस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको जूमिंग लेंस लेना होगा ताकि आप जूमिंग कर सकें, अच्छे से कैप्चर कर सकें अगर आप प्रैंक शूट करते हैं तो। तो चलिए दोस्तों इसके अंदर आपको बता देते हैं क्या क्या आपको मिल जाता है। इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ से। ओके दोस्तों यहाँ पर ओपन हो रहा है, आपको कुछ कार्ड मिल जाएंगे जब यहाँ पर आप ओपन करेंगे अपने कैनन 200D को। इसके साइड में रख देते हैं और यहाँ पर आपको मेनू मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको 16GB का कार्ड मिल जाता है जिससे आप रिकॉर्डिंग कैमरा कैप्चर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बैटरी मिल जाती है, ये बैटरी आपको चार्ज करना होगा लगभग 2.5 से 3 घंटे, तब आप 1 घंटे का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और लगभग आप 500 से 600 फोटो कैप्चर कर सकते हैं इस बैटरी के एक बार चार्ज करने से। और यहाँ पर आपको एक बेल्ट मिल जाते हैं जिसे आप कैमरे में लगा के आसानी से सेफ्टी रख सकते हैं ताकि आपका कैमरा कहीं गिरे ना, अचानक अगर गिर जाते हैं तो आपको सेफ्टी रखने के लिए आपको यहाँ बेल्ट मिल जाता है। ओके दोस्तों साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चार्जर मिल जाता है, ये चार्जर नहीं सिर्फ केबल है चार्जर का, चार्जर अंदर है उसके साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर आपको चार्जर यहाँ मिल जाते हैं, अगर आप इसके अंदर बैटरी सेट कर सकते हैं। ओके दोस्तों आपको बैटरी सेट करके दिखा देते हैं। पहले हम यहाँ पर देख लीजिए बैटरी है और आपको यहाँ पर सेट करना है बैटरी को, इस तरह सेट करके आप यहाँ पर अपना केबल लगा सकते हैं और चार्ज कर सकते हैं अपने बोर्ड में। ओके दोस्तों यहाँ पर फाइनल कैमरा आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से कैमरा को निकाल लेते हैं बाहर, आपको दिखा देते हैं कैमरा किस तरह है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कैमरा बहुत लाइट वेट है, इसके वेट बहुत ही कम है। इसके अगर स्क्रीन ओपन करेंगे यहाँ पर स्क्रीन रोटेट कर सकता है, बाकी कैमरे में ऐसा नहीं है दोस्तों। जो पुराना वर्जन है 200D का उसमें आपको रोटेट नहीं मिलेगा कैमरे को, आपको स्क्रीन ही सिर्फ मिलेगा। और लेंस की बात करें, ये लेंस 18 से 55 तक है। अगर आप इसका दूसरा लेंस लगाना चाहते हैं तो दूसरा लेंस लगा सकते हैं, ये 18 से 55 है, इतना जूमिंग हो सकता है। अभी दोस्तों आपको इस कैमरे का टेस्ट करके दिखाएंगे कितना जूमिंग है, क्या फोटो कैप्चर करता है, किस तरह आपको क्वालिटी मिलेंगी, अभी सब कैप्चर करके आपको दिखाएंगे। अब चलिए दोस्तों इस कैमरे के सारे बटन आपको बता देते हैं किस तरह काम करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए ये बटन है जो ऑफ ऑन का है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बैटरी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ओके दोस्तों आप बैटरी हम लगा कर आपको दिखा देते हैं। अब इसको आपको बैटरी लगा देना है आपके कैमरे में। ओके दोस्तों इसको लगा लेते हैं, इस तरह करके आपको सेट कर देना है। यहाँ पर सेट हो चुका है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए कार्ड, यहाँ पर आपको कार्ड भी लगाना है, SD कार्ड जो आपको कैमरे के साथ मिलेगा, हमने लगा लिया ऑलरेडी। इसे हम कर देते हैं पहले ऑन, यहाँ जैसे ऑन करेंगे कैमरा ऑन हो जाएगा और यहाँ पर एक लाइट जलेगी, इसका मतलब कि ऑन हो चुका है हमारा कैमरा। और यहाँ पर देख सकते हैं मेनू बटन है, इंफॉर्मेशन बटन है। अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकें उसके लिए आपको यहाँ बटन है ऑन ऑफ के, उसके बाद यहाँ पर एक वीडियो रिकॉर्डिंग का बटन है, इसी इसको करेंगे वीडियो मोड पे तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए कि वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट अभी नहीं हुआ है, जैसे इस बटन को प्रेस करेंगे तुरंत आपका वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। इसे ऑफ करना चाहते हैं तो फिर से आप बटन को दबाइए, ये ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए वीडियो ऑफ हो चुका है, जैसे इसे आप प्रेस करेंगे फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो देखना है कि जो हमने रिकॉर्डिंग किया है उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं प्ले बटन का, यहाँ पर देख लीजिए जैसे इसे प्रेस करेंगे आपके सामने वीडियो का जो रिकॉर्डिंग किए रहेंगे यहाँ पर शो होने लगेगा।
चलिए इसे प्ले कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे टच करेंगे ये प्ले हो जाएगा। ये टच स्क्रीन में आप टच स्क्रीन से सब काम यहाँ पर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इस लेंस की जूमिंग आपको दिखा देते हैं जो कि 18 से 55 मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों इसकी जूमिंग कर लेते हैं। ओके, इसको जैसे जूम करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिटी जूमिंग की। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं जूमिंग क्वालिटी बहुत ही बेहतर है और आप फोटो कैप्चर कर सकते हैं या वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रिकॉर्डिंग होता है जब हमने आईडी करके देख लिया है एक बार। अगर आप इस लेंस को चेंज करना चाहते हैं, एक लेंस और है हमारे पास जो कि 55 से 250 के बीच में चली, यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर आपको एक लेंस मिल जाता है। ये लेंस 55 से 250 के बीच में है। अगर आप इस लेंस का यूज करते हैं तो जूमिंग आपको बहुत ही बेहतर मिल जाता है। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं लेंस 55 से 250 के बीच में। अगर आप प्रैंक शूट करते हैं इस लेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप नहीं करना चाहते प्रैंक तो आपको वही सिंगल लेंस वाला आपको बेहतर होगा। अगर आप सिंगल लेंस लेना चाहते हैं तो आप वॉइस बना सकते हैं या वीडियो रिकॉर्डिंग छोटा मोटा कर सकते हैं यूट्यूब के लिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा दूर की जूमिंग चाहिए तो आप इसका ज़रूर यूज करिए। आई होप दोस्तों आपको ये कैमरा पसंद आया होगा, हमारा जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इस कैमरे के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, कैमरे के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है आपके मन में, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। हम आपका आंसर 24 घंटे के अंदर रिप्लाई करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद घंटे को जरूर दबाइए ताकि आपको नए वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें।